Good morning dear students, welcome back to all of you in today's class. See, yesterday we have finished the grammar portion, okay? So as well as we have completed our revision portion lesson and the grammar portion, okay? But once again I will teach you the lesson number first, the evergreen. We have to we will give actually the exercises, okay? So dekho, open your page number 13. I will teach you the understanding better. See, meaning the opposite word. Okay, so open your page number 13. See, understanding better, A exercise. Okay, so read and write a word opposite in meaning to the word underlined. You will find them in the lessons. क्या बोला है वहाँ पे कि एक sentence दिया रहेगा और वहाँ पे जो भी word below the underline, so उसका आपको अपोजिट वर्ड का आंसर लिखना है. ओके, सी, अगर दिया है कोई सेंटेंस में, अगर वहां पे सैड दिया रहेगा और उसके नीचे अंडरलाइन दी गई होगी, तो यू हैव टू राइट द आंसर्स हैप्पी. समझ में आ गया? सी, एक्चुअली आई एम नॉट श्योर, बट इफ दे विल आस्क इन योर अपकमिंग एग्जाम, यू हैव टू नो व्हाट इज द अपोजिट वर्ड, है ना? आपको अपोजिट वर्ड आना चाहिए. समझ में आएगा? अगर एक सेंटेंस में वहां पे दे विल आस्क डू अपोजिट वर्ड सैड, तो ऑब्वियसली हमको पता है सैड का हम हैप्पी लिखेंगे. इफ द वर्ड हैज गिवन स्मॉल, ऑब्वियसली अवर आंसर इज बिग. अंडरस्टूड? इफ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल तो ऑब्वियसली इसका क्या आएगा? अगली. ब्लैक, बी एल ए सी के, ब्लैक का क्या आएगा? ऑब्वियसली इट्स अ वाइट. समझ में आ गया? दीज आर द अपोजिट वर्ड्स. ओके, सी, वन बाय वन वी विल सी द अपोजिट. ओके, देखो यहां पे क्या लिखा है, द ब्यूटीफुल बर्ड कॉल द मॉस. These all are the sentences based on the evergreen, है ना? Evergreen के ऊपर ये सारे एक्सरसाइज आपको सॉल्व करने हैं, तो आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कीजिए. ओके, देखो, द ब्यूटीफुल बर्ड कॉल द माउस. अब कौन सा वर्ड को हमको क्या करना है? अपोजिट वर्ड करना है, कि जिस वर्ड के नीचे अंडरलाइन हो. किस वर्ड के नीचे अंडरलाइन है? इट्स अ ब्यूटीफुल. इट्स ब्यूटीफुल के नीचे अंडरलाइन दी गई. सो वी हैव टू फाइंड दीज वर्ड हु हैज बिलो द अंडरलाइन, यू हैव टू फाइंड आउट ऑन द लेसन. समझ में आ गया? तो आपको ये जो ब्यूटीफुल वर्ड्स है, आपको कहां से ढूंढना है? आपको वो वर्ड लेसन से आपको वो वर्ड ढूंढना है. ओके, सी, आई टोल्ड यू ब्यूटीफुल का क्या आता है? अगली, यू जी एल वाई, अगली. ब्यूटीफुल मीन्स प्रिटी, सुंदर, और अगली मीन्स लुक्स वेरी, मतलब अगली, अच्छा, कुरूप जैसे बोलते हैं, हु डू नॉट लुक्स गुड. ओके, समझ में आ गया? तो अगर वो पूछे द प्लीज चूज द ब्यूटीफुल, या दिया रहेगा कि ब्यूटीफुल के नीचे अंडरलाइन अपोजिट करना है, तो यू नो द आंसर इज द अगली. अंडरस्टूड? सी, सेकंड, द बर्ड फ्लू हाई अप इन द क्लाउड्स बट केम. सेकंड वर्ड किसके नीचे दिया है? अप के नीचे दिया है. अप के नीचे क्या दिया है? अंडरलाइन दिए, तो अप यानी क्या होता है? ऊपर. नीचे के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? डाउन. बट डाउन वी हैव फाउंड फ्रॉम द लेसन. ये सभी वर्ड्स आपको पेज नंबर 11 है वहां पे लिखेगा. सी, पैराग्राफ में यहाँ पे दिया है आपको अगली. समझ में आ गया? अगली. उसके बाद बर्ड्स फ्लू वार्म, एक सेकंड, अप है तो वो उसी प्रकार से ऊपर जाता है बर्ड, उसी प्रकार से वो क्या होता है? वो नीचे आता है, तो आप उसका है डाउन. ओके, एक सेकंड, ये देखिए यहाँ पे
डाउन ग्रेसफुली. आया समझ में? तो इसी प्रकार से यू हैव टू फाइंड ऑन द लेसन, सॉरी इन द लेसन. ओके, उसके बाद द बॉय शाउटेड. व्हाट इज द थर्ड वर्ड? इट इज अ शाउटेड. एस एच ओ यू टी ई डी, शाउटेड. शाउटेड मतलब सबको पता है चिल्लाना. क्या बोला है कि द बॉयज शाउटेड. जो जो लड़के हैं, जो बॉयज है, वो क्या करते हैं? बहुत ही जोर से चिल्लाते हैं. बट द गर्ल विस्पर्ड अमॉन्ग देमसेल्फ. लेकिन जो लड़कियां होती है वो क्या करती है? बहुत ही पोलाइट से, नम्रता से, धीरे धीरे बात करती है. मतलब उनका बोलने का कि बाउज सॉरी बॉयज व्हेन दे स्पीक्स वेरी लाउडली, मतलब चिल्ला के बात करते हैं. बट व्हेन द गर्ल स्पीक तो शी विस्पर्ड, मतलब धीरे धीरे से बात करना, अच्छे से बात करना. तो इट्स अ विस्पर्ड. आया समझ में? शी यहाँ पे ऑलरेडी दिया है कि शाउटेड का विस्पर्ड है, सो यू डोंट वरी. ओके, देन Be humble because God punish the proud. क्या लिखा है? फोर्थ वन क्या है हमारा? हम्बल. हम्बल मीन्स क्या होता है? नम्रता से. हम्बल, हम्बल. इसके नीचे अंडरलाइन भी है. सो हम्बल का क्या आएगा? सब प्राउड. सी यहाँ पे दिया है कि सी हम्बल का फर्स्ट लाइन में पेज नंबर 12 में यहाँ पे ऑलरेडी प्राउड वर्ड दिया है. ओके, सो हम्बल का क्या आएगा? इट्स अ प्राउड, पी आर ओ यू डी. और प्राउड मीन्स क्या होता है? प्राउड मीन्स होता है गर्व. मतलब सी यू नो द टीनी बर्ड, शी हैज अ प्राउड. उसको बहुत ही ज्यादा प्राउड है इसके ऊपर, बिकॉज शी लुक्स ब्यूटीफुल एंड शी हैज अ ब्यूटीफुल विंग्स. उसके पास क्या था? बहुत ही सुंदर छोटे छोटे पंख थे, इसलिए द बर्ड हैड प्राउड हर्सेल्फ. ओके, उसके बाद देखो क्या है फिफ्थ का. फिफ्थ का क्या है? द बर्ड वॉज अनकाइंड टू द माउस बट पाइन फर एंड द जूनिपर ट्री वेयर. मतलब देखो, बर्ड क्या था? अनकाइंड था. शी हैड डजंट फील टू हेल्प टू समवन, मतलब वो अनकाइंड थी, दयालु नहीं थी. लेकिन उसके अपोजिट, उसके अपोजिट क्या था? कि जो काइंड सॉरी जो फर और पाइन और जुनिपर ट्री थे वो क्या थे? वो मतलब काइंड थे. क्यों काइंड थे? बिकॉज दे saved and they helped to the needy people, because they offered to eat the berries, they offered to shelter the bird. So that's why the bird is unkind and the pine tree as a kind. So unkind ka kya aayega? Kind. See, unkind ke niche underline hai, to uska opposite word hai, it's a kind. मतलब दयालु या अनदयालु, मतलब ये दयालु नहीं है. ओके, आया समझ में? इसी तरह से उसके बाद है सिक्स. सिक्स में क्या दिया है? कि अर्जुन इज अनपॉपुलर अमॉन्ग द चिल्ड्रन. मतलब पूरे बच्चों में से जो अर्जुन है वो अनपॉपुलर है, मतलब इतना लोकप्रिय नहीं है. लेकिन उसी में से जो रोहित है वो क्या है? पॉपुलर है. तो सिक्स का अनपॉपुलर. देखो अनकाइंड तो काइंड, तो अनपॉपुलर, यस अनपॉपुलर का ये अंडरलाइन दिया है. उसके बाद हम लिखेंगे इसका अपोजिट वर्ड पॉपुलर. आ रहा समझ में? इसी प्रकार से हमको सभी के अपोजिट वर्ड लिखना है. इफ इन एग्जाम विल आस्क, you have to write the correct word to opposite. You have to convert opposite word to the answers. See, उसके बाद क्या दिया है? Boats can sail under.
जो भी बोट्स है वो अंडर ब्रिज के अंडर से जाती है. अंडर मतलब सबको पता है, हम बोलते हैं कि अंडरग्राउंड. जैसे गोंदिया में बोलते हैं कि चलो हमको अंडरग्राउंड से मार्केट जाना है ना. उसके बाद ओवर, अंडर का नीचे से, ओवर मतलब ऊपर से, हम बोलते हैं कि ओवर ब्रिज, ब्रिज के ऊपर से जाना है. तो सेवन का क्या है, अंडर के नीचे और ये है ओवर. अंडर के नीचे क्या है, अंडरलाइन है और ओवर मतलब उसका आंसर है. समझ में आ रहा है. उसके बाद बी पोलाइट एंड नॉट रूड टू पीपल हु वर्क्स फॉर अस. एट का क्या दिया है, बी पोलाइट. पोलाइट के नीचे क्या है, इट्स अ अंडरलाइन. ओके, सो पी ओ एल आर पी ई, ये पोलाइट के नीचे क्या है, अंडरलाइन है. तो पोलाइट का क्या आएगा, रूड. सी देखो, ऑलरेडी यहाँ पे पॉपुलर का अनपॉपुलर दिया है ना, प्राउड का हम्बल दिया है. अब देखो पोलाइट का ऑलरेडी यहाँ पे वर्ड्स दिया है रूड. रूड मतलब बहुत ही रूडली जैसे हम बात करते हैं, दुष्ट घमंड से, अच्छे से बात नहीं करना. पोलाइट है नम्रता से, और ये जो रूड है तो उद्धड़ से बात करना किसी के साथ, है ना. तो यहाँ पे दिया है कि बी पोलाइट, हमको बी पोलाइट रहना है. बिकॉज नॉट रूड, हमको रूड नहीं रहना है टू पीपल हु वर्क्स फॉर, जो लोग हमारे लिए काम करते हैं उनके साथ हमेशा से ही हमको नम्रता से बात करना है. उनके साथ हमको रूड बिहेव नहीं करना है. ओके, तो आया समझ में. आप एक बार प्लीज चेक कर लीजिए कि इफ यू हैव नॉट answered yet, तो आपको ये करना है. And those who have solved this answer, you have to check once again if you wrote correct or not. Please check. I'll give you 5 minutes. See, beautiful का ugly, up का down, shouted का whispered, humble का proud, unkind kind, unpopular popular, under over polite का rude. Okay, तो इसी प्रकार से आपको ये सारी चीजें करनी है. देखो उसके बाद दिया है कि answer the following. Why was the bird proud? See, you have to learn these all the question answer by heart, because upcoming exam you have to write all the question answer those who have asked in your exam. समझ में आ गया. जो भी आपको अगर वो questions पूछते हैं तो you have to write all the question answers. Okay, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि why was the bird proud. Bird को proud क्यों था, because she had a beautiful wings, है ना. She had looks beautiful and she had a beautiful wing, that why the bird very proud. How did she break her wing, वो किस प्रकार से अपने wing को breaks, मतलब breaks कहते हैं, टूटे कैसे, कि जब वो उस जिस प्रकार से ऊपर जाती है और जब वो नीचे आती है, when she came down very gracefully, she crash, हम बोलेंगे उसको कि शी, वन सेकेंड, ओके ओके. सो व्हेन शी केम डाउन सडनली शी डैश द चिमनी, वो अचानक क्या होता है, किसको टकराती है, चिमनी को टकराती है. चिमनी मतलब वो जो जहाँ से धुआं निकलता है, हम देखते हैं, वी कैन सी द इन द बहुत सारे कंपनीज कारखानों में, वो जो धुआं निकलने के बाद ऊपर जो लगाता है, we call the chimney, उसको वो टकराती है, that's why she broke her wings, है. उसके बाद what do birds do in winter, birds क्या कर winter में क्या करते, obviously they search for shelter, है ना. search मतलब वो shelter के लिए अब birds क्या करते, search करते. how did pine for juniper help, किस प्रकार से juniper pine and fir tree ने bird की help किया, किसी ने उसको, किसी ट्री ने उसको ब्रांचेस में मतलब शेल्टर दिया है, किसी ने अपनी बेरीज खाने को इनवाइट किया है ना. ये सभी चीज़ें आपको लिखना है. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू
यू हैव टू लर्न ऑल द क्वेश्चन आंसर. उसके बाद दिया हाउ डिड किंग विंटर रिवार्ड द पाइन फॉर एंड जूनिपर ट्रीज. किस प्रकार से इन तीनों ट्री को किंग ने रिवॉर्ड दिया, क्योंकि वो उनकी हेल्प करते हैं, बर्ड की हेल्प करते हैं. दीज ऑल ट्रीज वेयर वेरी काइंड टू द बर्ड, है ना. तो इसीलिए वो कौन सा रिवॉर्ड देते हैं कि वो ताकि उनकी जो पत्तियां हैं दे नेवर शेडिंग लीव्स द थ्रू आउट द वन ईयर. ओके, सो वो उनको रिवॉर्ड देते हैं कि उनकी पत्तियां हर टाइम ऑल द थ्रू आउट द वन ईयर दे नेवर शेडिंग देयर लीव्स, वो उनको बोलते हैं, है ना. तो इसी प्रकार से आपको ये सारी चीजें कंप्लीट करना है. ओके, सो देखो ये जो मैंने आपको पढ़ा यू हैव टू लर्न. ओके, सो टुमारो वी विल सी द नेक्स्ट एक्सरसाइजेस. ओके, सो टिल देन यू हैव टू कीप स्टडी. सी यू, बाय बाय.